हमेशा कहता रहे ये तो मेरा मेरी खोज कर रहा है, ये मेरे भेदों की खोज कर रहा है, चलो इसको मैं अपना ज्ञान देता हूँ, चलो मैं इसको अपनी बुद्धि देता हूँ। और फिर जब परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है, समझ देता है ना, उससे आत्मा से परिपूर्ण करता है, तो बहुत ईजी हो जाता है। ऐसे लगता है ये था प्रभु, इसका भेद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताएं से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले संदेश से यानी पहले भाग और दूसरे भाग से हम क्या सीख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 20 पद से। जी हाँ, और 20 पद को हमने कई भागों में डिवाइड किया है। दो भाग हम सुन चुके हैं और तीसरा भाग है, और इस भाग का हमने एक ही नाम रखा है, सात दीवट सात कलीसियाएं, यानी सात दीवट सात कलीसियाओं का ये तीसरा भाग है। और पहले हमने दूसरे भाग में हमने सीखा था कि सोने के सात दीपटों का भेद क्या है, दीवट क्या है, इन सात कलीसियाओं के सात दीपक क्या हैं, इनके बारे में सीखा था। और आज जो है हम प्रकाशित वाक्य एक अध्याय 20 पद से फिर सीखेंगे कि आखिर में दीवट का स्थान जो मंदिर में रखे होते थे वो मंदिर क्या है और मंदिर कहाँ पर है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। देखिए, पिछले संदेश में हमने सीखा था दीपक जो है वो सात आत्माएं, वो सात दीपक सात आत्माएं हैं। अभी बात खत्म नहीं होती है, बात अगर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी वो भी प्रकाशित वाक्य की, तो ये समझ लीजिए कि फिर फायदे क्या है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने का। जी हाँ, मैं आपको बहुत कम समय में बहुत ऐसी चीज़ें समझा रहा हूँ जो शायद मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल पड़ता है, कम समय में ऐसी चीज़ों को समझाना बहुत मुश्किल पड़ता है। आप यकीन मानिए मुझे बहुत कठिनाई होती है कि कम समय में एक सही बात आपके सामने कैसे लेकर आऊं, किस तरीके से पेश करूं। मगर परमेश्वर जो है अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता है, अपनी बुद्धि अपनी समझ से परिपूर्ण करता है, अपने ज्ञान अपने भेदों को खोलता है, तभी मैं ये बता पा रहा हूं और आप जो है इन चीज़ों को सुन पा रहे हैं। और मुझे विश्वास है आप लोग बहुत सी आशीषें पा रहे हैं, आपको बहुत सी आशीष मिल रही हैं और बहुत से नए संदेश आपको मिल रहे हैं जिससे आप आनंदित हो रहे हैं। चलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक अध्याय और उसके 20 पद को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अर्थात उन सात तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दहने हाथ में देखा था, और उन सात सोने के दीप्तों का भेद, वे सात तारे सात कलीसियाओं के दूत हैं और वे सात दीवट सात कलीसियाएं हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप सोचते होंगे कि बार बार इस पद को क्यों पढ़ते हैं, हमने एक बार पढ़ लिया सुन लिया। हो सकता है जो रोज मेरे हर संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए ये बात थोड़ी अजीब सी लगती होगी, मगर मेरे प्यारे भाई बहनों मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे बहुत से भाई बहन हो सकते हैं कि वो इस संदेश में पहली बार जुड़ रहे हों, पहली बार सीख रहे हो, तो उनको पता होना चाहिए कि हम बात कहाँ से कर रहे हैं, किस पद से कर रहे हैं। इसलिए मैं इन पदों को जितनी बार, अगर मान लीजिए इसके सात भाग बनते हैं या इसके तीन भाग बनते हैं, पांच भाग, जितने भी भाग बनते हैं, इन पदों को बढ़ाना इसलिए जरूरी होता है जो मेरे नए भाई बहन हैं, जो पहली बार जुड़ते हैं या एकदम से जो जुड़े हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये बात कहाँ से और किस पद से हो रही है। इसलिए मैं इनको जो हूँ हमेशा पढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 20 पद जो है, पहले पद प्रकाशित वाक्य एक अध्याय का 20 पद जो है वो हम देख रहे हैं। और यहाँ पिछले संदेश में हमने सीखा था दीवट जो है वो दीपकों का रखने का स्थान है, और दीपक क्या है ये भी हमने पिछले संदेश में थोड़ा सा सीखा था कि वो दीपक जो है वो सात आत्माएं हैं जो परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में निरंतर जो है वो जलती रहती है, प्रज्वलित होती रहती हैं, और किस तरीके से परमेश्वर की जो सात आत्माएं हैं इस पृथ्वी पर कार्य करती हैं। हम जैसे जैसे इन भेद में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे कि कैसे कैसे उनका कार्य होता है। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 21 से अध्याय उसके 22 और 23 पद में क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। 23 पद है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। अब यहां ध्यान देने की बात है, सबसे बड़ी बात, अब ये स्वर्गीय स्थान के उस मंदिर की बात हो रही है जहां हमने प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका 5वां पद पढ़ा था। जी हाँ, कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके सामने जो है सात दीपक जल रहे हैं और वो सात दीपक परमेश्वर की सात आत्माएं हैं।
परंतु यहां पर जो मंदिर की बात हो रही है, अब यहां पर जरा समझने की बात है बहुत धीरज के साथ, ये किस मंदिर की बात हो रही है। सबसे पहली बात आप अपने दिल दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को पढ़ रहे हैं तो उसके पहले पद से हम जब पढ़ते चले आएंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर मैंने एक नए आकाश एक नई पृथ्वी को देखा। ठीक है, यानी पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जाती रही। अब ये बात जो यहां पर हो रही है नए आकाश के नीचे और नई पृथ्वी के ऊपर हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज जब आप और पढ़ेंगे आगे तो वहां लिखा हुआ है कि फिर मैंने नए यरूशलम को परमेश्वर के पास दुल्हन के समान सिंगार करते हुए उतरते देखा। कहां पर उतरते देखा? नई पृथ्वी के ऊपर। ये देखिए, ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य को अगर आप समझना चाहते हैं तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो मंदिर स्थापित हो रहा है अभी स्वर्ग में, जो मंदिर है ठीक है, वो यरूशलम जो है वो इस नई पृथ्वी, नया यरूशलम इस पृथ्वी पर जो है वो नई पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर नहीं, नई पृथ्वी पर उतारा गया। क्योंकि ये पृथ्वी और ये आकाश समाप्त हो गया, जाता रहा, कहां चला गया हमें नहीं पता और हमें जानने की जरूरत नहीं। हमें जानने की जरूरत है नए आकाश के नीचे और नई पृथ्वी के ऊपर हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, है? क्योंकि उसके लिए तैयारी करनी होती है और उसके लिए तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहां पर जो है उस नई पृथ्वी के ऊपर, उस नए यरूशलम में वो क्या देख रहा है? वो मंदिर को देख रहा है। और मंदिर किस रूप में है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के रूप में है। कि जो मंदिर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह जो है मंदिर जो है परमेश्वर को भी बताया गया और यीशु मसीह यानी मेमना जो है उसका मंदिर बताया गया। परंतु 23 पद में क्या लिखा हुआ है? 23 पद में एक बड़ी बेहतरीन बात लिखी हुई है कि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं है, यानी किसी भी संसारिक तरीके का, ना तो चांद का है ना सूरज का है, किसी चीज का नहीं है। परंतु क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है परमेश्वर के तेज का उजाला जो है वो हो रहा है। अब यहां पर दो चीजें हैं, पहले हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के तेज का उजाला हो रहा है और दूसरा है कि मेमना जो है, मेमना किसको कहा गया? यीशु मसीह को। यीशु मसीह जो है वो उसका दीपक है। अब बहुत देखिए बात कहां आ रही, भेद देखिए कैसे खुल रहे हैं। परमेश्वर अपने आप भेद, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में होते हैं ना और परमेश्वर से कहते हैं मुझे अपने भेद दे, हम संसारिक चीजें ना मानेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत्ती जब 6 अध्याय पढ़ेंगे और उसका 33 पद पढ़ेंगे, वो कहता है कि ये चीजें तुम्हें चाहिए, मुझे पता है कि तुम्हें ये चीजें चाहिए, सबसे पहले तुम उसके धर्म उसके राज की खोज करो, ये चीजें तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, वो जानता है। जब हम उसके राज की उसके धर्म की और उसकी खोज करने लगते हैं ना तो परमेश्वर कहता है अरे ये तो मेरी खोज कर रहा है, ये मेरे भेदों की खोज कर रहा है, चलो इसको मैं अपना ज्ञान देता हूँ, चलो मैं इसको अपनी बुद्धि देता हूँ। और फिर जब परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देता है, अपनी समझ देता है ना, उससे आत्मा से परिपूर्ण करता है तो बहुत इजी हो जाता है। ऐसे लगता है अरे ये था प्रभु इसका भेद, तो हमें बहुत आनंद आने लगता है। तो यहां पर क्या है, मेमना क्या है? दीपक है। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, वो कहता है कि यहोवा का तेज जो है, यहोवा के तेज से उसका उजाला हो रहा है। और जब हम यशया 60 अध्याय को और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा उठ और प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज जो है वो आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ। अब यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश कौन है? यीशु मसीह। योहन्ना 8 और उसके 12 पद में क्या लिखा है कि यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। और यहां पर जो है उस मंदिर का जो दीपक है वो प्रभु यीशु मसीह। देखिए मंदिर भी वही और दीपक भी वही, यानी परमेश्वर भी मंदिर है और परमेश्वर का तेज जो है वो यीशु मसीह है। यहां जो दीपक की बात हो रही है, या फिर लिखा ना मैंने पवित्र नगर नए यरूशलम को परमेश्वर के पास से उतरते देखा। या परमेश्वर के पास से उतरते देखने का मतलब क्या है कि नए यरूशलम को, उस नए यरूशलम का जो मंदिर है उसका जो दीपक है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब हमें ये तो पता चल गया कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह उसका दीपक है। जी हाँ, किसका? उस मंदिर का जो है वो दीपक है। और इस नए यरूशलम का मंदिर कौन है? वो भी प्रभु परमेश्वर और मेमना है। ये चीजें हमें समझ में आ गई। अब मंदिर की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जैसा मंदिर है, ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने हमें भी मंदिर के रूप में ठहराया है।
जब आप पहला कुरंतियों 3 अध्याय उसका 16-17वां पद पढ़ेंगे, पहला कुरंतियों 6 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और पहला कुरंतियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी हमारी देह जो है, हम क्या है, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। यानी हम एक स्थान है, किसके रहने का, पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। हम किसका स्थान है, हम परमेश्वर के रहने का स्थान है। परमेश्वर कहता ना कि मैं उनमें वास करूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा। यानी परमेश्वर हम में रहना चाहता है, हम परमेश्वर का स्थान है। तो अब याद रखिए कि मेमना स्वयं जो है वो एक मंदिर है, यानी एक स्थान है। किसका, दीपक का स्थान है, यानी उस आत्मा का जो है वो स्थान है। अब यहां पर जो स्वर्गीय मंदिर की बात जब हम करते हैं, ये स्वर्गीय मंदिर जिसका नमूना परमेश्वर ने मूसा को दिया था और जिसके पवित्र स्थान में 7 दीवट थे, ये 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। और 7 कलीसियाएं जो हैं यीशु मसीह हैं। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को जो है हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह के 7 दीपकों के रूप जो हैं वो हमें समझने हैं। अब पहले जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह जो है दीपक है। अब यीशु मसीह जो दीपक है, ठीक है, कलीसिया का, कलीसिया क्या है, स्थान है। किसका स्थान है, दीपक का स्थान है। दीपक कौन है, यीशु मसीह। यानी कलीसिया जो है यीशु मसीह के रहने का स्थान है। जैसे हम परमेश्वर का मंदिर है और हमारे ये मंदिर जो है, हम जो आप मंदिर है, हम जो आप जिसका स्थान है वो परमेश्वर के रहने का या परमेश्वर की आत्मा के रहने का स्थान है। ऐसे ही ये जो 7 कलीसियाएं हैं ये प्रभु यीशु मसीह के रहने का स्थान है। तो यानी अब हमें क्या देखना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मिक रूप को देखना है, उस आत्मिक रूपी दीपक को देखना है जो यीशु मसीह को 7 कलीसियाओं के बीच में जो है वो दिखाया गया है। क्योंकि जब हम उसके रूप को देखेंगे सबसे पहले, तो हम इन 7 कलीसियाओं के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर जो है कि सबसे पहला जो दिया गया है इफिसुस की कलीसिया के बारे में जो दिया गया है, यहां लिखा हुआ है, मैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ रहा हूं। यहां क्या लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीपकों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो है रूप दिया गया, कौन सा रूप दिया गया है, देखिए 2 रूप है यहां पर प्रभु यीशु मसीह के। जैसा मैंने कहा कि वो 7 दीवटों के बीच में फिरता है, 7 दीवटों के बीच में जो है जाने का अधिकार किसे था, याजक को था, जो प्रत्येक दिन जाता था और उन दीवटों को सजाता था, उनमें तेल भरता था, उनको सजाता था, ठीक है। तो यहां पर जो है प्रभु यीशु मसीह का जो रूप दिखाया जा रहा है वो याजकीय रूप दिखाया जा रहा है। और वो याजकीय रूप जो है वो दिखाया जा रहा है कि इन 7 दीपकों के बीच में, उन 7 दीपकों की जो सेवा कार्यभार है, जो दीपक चलाने का कार्यभार है, वो एक याजक का था। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर उसके याजकीय रूप को जो है प्रकट किया जा रहा है इफिसुस की कलीसिया को, ठीक है। दूसरा है कि उसके दाहिने हाथ में जो है 7 तारे दिखाई दे रहे हैं। 7 तारे कहने का मतलब जो हमने पढ़ा था कि 7 तारे कौन है, 7 कलीसियाओं के दूत हैं। ये 7 कलीसियाओं के दूत कौन है, ये संदेश भाग हैं, 7 संदेश भाग हैं जिनको, जो प्रभु यीशु मसीह के अधीन होकर जो है वो कार्य कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है उनको गाइड कर रहा है और वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। ये पहला परिचय है प्रभु यीशु मसीह का, जो आत्मिक रूप है, जो आत्मिक दीपक के रूप में है, जो उस पहली कलीसिया के रूप में है। अभी हम कलीसिया की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उसके 7 दीवट के रूप की चर्चा कर रहे हैं, 7 आत्मिक दीपक के रूप की चर्चा कर रहे हैं जिसको यीशु मसीह को दीपक कहा गया है। उसका दूसरा है, जब हम 2:8 पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का, यहां लिखा है, स्मरणा की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवता है, वे ये कहता है कि, देखिए अब यहां पर यीशु मसीह का दूसरा जो है आत्मिक रूप दर्शाया जा रहा है, यानी उसके दीपक का प्रकाशन जो है वो दूसरा जो दिखाया जा रहा है। अब वो क्या दिखाया जा रहा है, वो ये दिखाया जा रहा है जो प्रथम और अंतिम है, यानी उसका ईश्वरीय रूप, या प्रभु यीशु मसीह जो है अपने ईश्वरीय रूप को प्रदर्शन कर रहा है कि जो कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर है, जो खत्म ही नहीं हो सकता। प्रभु परमेश्वर भी कहता है कि मैं आदि और
अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है वो यही बात जो है वो कही जा रही है। और क्या है, जब आप कुलुसिया एक अध्याय और उसका 17वां पद पढ़ते हैं, वहां लिखा है वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है प्रथम है, सबसे पहले वो ही है, दुनिया भी नहीं थी, कुछ नहीं था, प्रभु यीशु मसीह था, और सारी वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, उसी में सृजी गई हैं। जो परमेश्वर का वचन इस बात को जो है वो बिल्कुल क्लियर करके कहता है। और दूसरी बात यहां क्या कहता है कि वो कहता है कि जो मैं यहां पर लिखा ना कि जो मर गया था और अब जीवित हो गया, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है देख अब मैं जीवित हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं, आप मुझे मरा हुआ ना समझे, मैं जीवित हूं और युगानुयुग तक जीवित हूं। मैं क्यों यहां क्यों कह रहा कि मैं मर गया था, मर गया का मतलब क्या है कि मैंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि वो भी मृत्यु के ऊपर क्या करता है, विजय प्राप्त कर लेता है और वो मर नहीं सकता है। ये स्मरणा की कलीसिया को जो है ये लिख रहा है। हबक्कूक 2:4 यहां लिखा है देखो उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जी हाँ, जैसा हमने कहा ना, धर्मी कैसे जीवित रहेगा, अपने विश्वास के द्वारा जो है वो जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह जो है वो अपना परिचय दे रहा है कि किस तरीके से वो परिचय दे रहा है कि वो कैसे जीवित रहेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका अब 12 पद पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है यीशु मसीह का आत्मिक जो रूप है, जो तीसरा रूप है, दीपक का जो तीसरा रूप है, वहां लिखा ना कि नए यरूशलम में जो मंदिर है, जो प्रभु यीशु मसीह है और उसका दीपक जो है वो यीशु मसीह है, उस दीपक का आत्मिक रूप जो है, उस दीपक का जो ईश्वरीय रूप है, उस दीपक का जो तीसरा रूप है, उसका वर्णन जो है वो किया गया है। क्या लिखा है, पिरगमन की कलीसिया के दूत को ये लिख जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वो ये कहता है। अब ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है वो ये कहता है। अब यहां पर तीसरा जो आत्मिक रूप यीशु मसीह का दिखाया जा रहा है कि जिसके पास दोधारी तलवार, दोधारी तलवार होने का मतलब क्या है कि दोधारी तलवार जो होती है वो इधर भी वार करती है और इधर भी, दोनों तरफ से वो वार कर सकती है। तो यहां पर जो है दोधारी तलवार क्या है, यहां परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, और तेज तलवार जो है वो क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो दोधारी तलवार है, मैं पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं मगर मैं मेन पॉइंट पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 पद जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। जी हाँ, यहां परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन को दोधारी तलवार कहा गया। अब ये दोधारी तलवार प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मिक तीसरे रूप का प्रगटीकरण है। कैसे, कि जब आप यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ठीक है, जब आप उसका 14वां पद पढ़ेंगे यानी परमेश्वर ही वचन था, अब वहां पर कौन है वचन, कौन है, परमेश्वर है, और ये दोधारी तलवार जो है कौन है, परमेश्वर है। तेज तलवार यानी परमेश्वर का जो वार है वो खाली नहीं जाता है। मगर ये जो वचन है किस रूप में आया, जब यूहन्ना के इंजील 1 अध्याय और उसका 14वां पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है और वचन देहधारी हुआ, यानी उस वचन ने एक शरीर को धारण करा। किस रूप में, प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो है उसने उस शरीर को धारण करा है। जी हाँ, परमेश्वर जो है इस बात को बताता है, और ये जो भेद है इस भेद को ये बताता है कि वो प्रभु यीशु मसीह है, यानी उसका आत्मिकीय रूप जो है वो किस उसमें दर्शाया जा रहा है, वचन के रूप में दर्शाया जा रहा है। अब कैसे दर्शाया जा रहा है, मैं आखिर में पढ़ना चाहूंगा यहाँ परमेश्वर का वचन जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ, और जब आप 1 से 13 पद तक पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। बल्कि हम 1 से 13 तक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम 11 से 13 तक पढ़ेंगे, क्योंकि 11 से 13 तक पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें जो हैं आपके सामने आएंगी। यहां क्या लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है
जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जब आप इन प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 13 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये स्वर्ग की बात है। स्वर्ग खुला हुआ दिख रहा है योना, यहाँ स्वर्ग के अंदर की बात है। श्वेत घोड़ा दिख रहा है और उस पर एक सवार देख रहा है, वो सवार कौन है? विश्वास योग्य और सत्य। ये बातें यीशु मसीह के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती हैं, यानी ये सवार कौन है? ये यीशु मसीह को दिखाया जा रहा है। और लिखा हुआ है कि उसकी आंखें क्या? आंख की ज्वाला। हमने पिछले संदेशों में उसकी इस आंखें जो है आंख की ज्वाला है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। और 13वां पद जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने। लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहनने का मतलब क्या है? कि ये दिखाया जा रहा है कि इसने जो है अपना लहू जो है हम मनुष्यों के लिए बहाया, और जो वस्त्र जो वो पहने हुए था वो पूरा लहू लोहान हो चुका था। तो यहां पर दिखाया, और वो क्या लिखा हुआ है? उसके जांघों पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन। इसका मतलब क्या है? कि वो परमेश्वर का वचन है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह, यानी उसका जो आत्मिक रूप जो तीसरा दिखाया जा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिखाया जा रहा है, यानी उस दीपक का जो आत्मिक रूप है वो परमेश्वर के वचन के रूप में प्रकट किया जा रहा है। अब ये मेमने के साथ रूप दिखाए जा रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रूप जो है दीपक के रूप में दिखाए जा रहे हैं, वो दीपक है। और उस दीपक के साथ आत्माएं जो हैं किस तरीके से अलग अलग कलीसियाओं में कार्य कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वचन के रूप में कैसे, यानी दोधारी तलवार के समान, जब हम इनके भेदों को पढ़ेंगे, कलीसिया के भेद को पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे कैसे कार्य हो रहा है। अभी नहीं बताएंगे इसको, ये जब यहाँ पर आएंगे तब बताएंगे, अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं उस दीपक के जो सात रूप है वो उस आत्मा के, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? योना के इंजील 4 अध्याय और उसका 23-24 पद पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है, ठीक है। जब परमेश्वर आत्मा है तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह जो है वो आत्मा परमेश्वर है, और इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आत्मा है और उसका आत्मिक रूप जो है वो दिखाया जा रहा है और वहां पर वर्णन किया जा रहा है। जब आप योहन्ना 17:17 पढ़ेंगे, योहन्ना की इंजील उसका 17 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? तेरा वचन सत्य है। अब यहां पर पढ़ेंगे ना कि अपने वचन के द्वारा जो है उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन जो है वो सत्य है। यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया, क्या कहा गया? जब हम योहन्ना 14:6 में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह मार्ग और सत्य और जीवन है। देखिए, सत्य वो है, यहाँ पर लिखा ना कि वो सत्य है, विश्वास योग्य और सत्य है। तो ये यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो है जब योहन्ना 17:17 पढ़ते हैं कि उनको अपने सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, यानी परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य है। और वचन किसको कहा गया? यीशु मसीह को कहा गया है। ये दो धारी तलवार कौन है? ये तेज तलवार कौन है? ये यीशु मसीह है जो वचन के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। और इस वचन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। देखिए, अभी हमने इसके यीशु मसीह के आत्मिकता के तीन रूप पढ़े हैं और उस दीपक के तीन रूप पढ़े हैं जो सात आत्माओं को प्रकट करता है। सात आत्माएं जो प्रज्वलित हो रही हैं उसके इन तीन रूपों के बारे में जान रहे हैं। और अब हमारे पास अभी चार उसके आत्मिक रूप रह गए हैं, यानी आप यीशु मसीह के कह लीजिए और यीशु मसीह जो दीपक है उस दीपक के सात रूप कह लीजिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी तीन रूपों के बारे में सीखा है, अगले संदेश में हम चार और भी आत्मिक रूपों के बारे में बात करेंगे जो दीपक का प्रगटीकरण है, जिसका दीपक जो है यीशु मसीह है, जिसको यीशु मसीह को जिसको दीपक कहा गया है, उस दीपक के चार और रूप के बारे में अगले संदेश में पढ़ेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।